दूध न देने वाली गाय के साथ देखी क्या होता है। सड़कों और गली मोहल्ले में घूमने वाली गायों को तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। ये वो गाय है जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया और अब ये अपने मालिकों के लिए पूरी तरह से बेकार हो चुकी है, इसलिए इन्हें खुला छोड़ दिया जाता है। वैसे भी पैसों के लालच में अंधे होकर लोग इस तरह की नीच हरकत करने से बाज नहीं आते, पर ये भारत का हाल है क्योंकि विदेशों में गायों को दूध के अलावा भी बहुत सी चीजों के लिए पाला जाता है। और जब कोई गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसके साथ ऐसी चीजें होती है जिसे सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। तो क्या है विदेशों में गायों की असली सच्चाई, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन को दबाने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। दोस्तों, जब इंसान शहर की साफ सुथरी जिंदगी में रहने लगता है तो गाय के गोबर के बारे में सुनने के बाद उसका चार कोने का मुंह बन जाता है। पर जनाब, ये गाय का गोबर किसी चमत्कार से कम नहीं है, जिसके एक दो नहीं बल्कि कई सारे उपयोग हैं। जहां सबसे पहले तो गाय के गोबर से बनने वाली बायोगैस का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया जा सकता है। इस तरह रोज महंगे होते गैस सिलेंडर के बोझ से काफी हद तक राहत मिल सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इससे कोई पोल्यूशन भी नहीं होता। ऊपर से बायोगैस बनने के बाद जो बचा खुचा मटेरियल होता है, इसका इस्तेमाल जैविक खाद बनाने में किया जाता है। और इस तरह महंगी खाद को खरीदने का पैसा भी बच जाता है, क्योंकि जैविक खाद में फसल तो अच्छी होती है और उसमें रासायनिक खाद की तरह केमिकल भी नहीं होते, जिससे आपको बिना हानिकारक केमिकल के शुद्ध और हरे भरे फल और सब्जियां प्राप्त होती है। पर दोस्तों, जरा रुक जाइए, क्योंकि लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। केवल गाय का गोबर ही उपयोगी नहीं है, बल्कि गाय के मूत्र की भी चर्चाएं दुनिया भर में होती है, जिसका इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। असल में गाय के मूत्र से कीटनाशक बनाए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल लोग फसलों पर छिड़काव के लिए करते हैं ताकि फसलों पर कीड़े ना लगे, और महंगे कीटनाशकों का खर्चा भी बच जाता है। अब आप खुद ही सोच लीजिए, गाय के मलमूत्र से होने वाली बचत किस लेवल की होती होगी। अगर किसी रासायनिक खाद और कीटनाशक का इस्तेमाल कोई किसान करता है तो एक एकड़ में करीब 7,000 का खर्च आता है। अब आप सोच लीजिए कि 10 एकड़ जमीन में 70,000 का खर्च तो केवल कीटनाशक पर ही एक इंसान को करना पड़ जाता है। अब आप सोच लीजिए, 10 एकड़ जमीन में 70,000 रुपए का खर्च तो केवल कीटनाशक पर ही किसान कर डालता है, और इतने खर्चे के बाद हमारे हाथ में केमिकल से भरी हुई फसल लगती है जो हमारी सेहत के लिए रत्ती भर भी अच्छी नहीं है। पर अगर गाय के मलमूत्र से तैयार खाद और कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाए तो खेती की लागत भी कम होगी, मुनाफा भी बढ़िया मिलेगा और केमिकल वाला फूड भी खाना नहीं पड़ेगा। वैसे दोस्तों, केमिकल से याद आया कि आपको सब्जी और फ्रूट जैसे ऑर्गेनिक चीजें खाना पसंद है, या फिर आप भी दुनिया की 90% जनसंख्या की तरह पिज्जा बर्गर जैसी चीजों के दीवाने हैं? अपना जवाब कमेंट में बताना। खैर, ये सब तो हो गई खेती की बातें, लेकिन अब हम गाय के गोबर के जिस इस्तेमाल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे, क्योंकि विदेशों में गाय के गोबर का इस्तेमाल खाद और कीटनाशक बनाने में ही नहीं बल्कि बिजली का निर्माण करने में किया जाता है। असल में गोबर गैस का इस्तेमाल करके लाइट भी पैदा की जाती है, और इस तरह जो आपका बिजली का इतना लंबा चौड़ा बिल आता है जिसे देते देते आपके बाल सफेद होते जा रहे हैं, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब आप सोच लीजिए, गाय कितनी उपयोगी होती है, जिनका केवल दूध ही नहीं बल्कि मलमूत्र भी लोगों का अच्छा खासा फायदा करवाता है। असल में विदेशों में गाय के गोबर और मूत्र को खरीदने का काम बड़ी बड़ी कंपनियां करती है, और गाय के जो मालिक होते हैं उन्हें इसकी अच्छी खासी कीमत भी मिलती है। और दोस्तों, अगर आपको याद हो तो कुछ ही दिनों पहले अमेरिका की एक स्टोर में गाय के गोबर के उपले बेचने की तस्वीरें बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही थी, जहां एक पैकेट में 10 उपलों को $3 यानी 215 रुपए में बेचा जा रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेजोन जैसी वेबसाइट पर भी आप गाय के उपलों को बिकते हुए देख सकते हैं, जिससे एक चीज तो है कि गाय के गोबर की वैल्यू न सिर्फ गांव देहात में होती है बल्कि पूरी दुनिया में इसे खरीदने और बेचने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। और अब तो हमारे देश में भी गाय के गोबर को बेचने के लिए सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत कई सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इसके परिणाम काफी बढ़िया देखने को मिलेंगे। गाय से मिलने वाले फायदों के बारे में सुनकर आपको काफी खुशी हो रही होगी,
कि जिस गाय को हमारे देश में इतना सम्मान दिया जाता है वो गाय वाकई में उसकी हकदार है। पर जनाब वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सच वो है जो हम आपको बता रहे थे, लेकिन एक सच ऐसा है जो काफी भयानक है। जिन गायों को हम मरने के लिए सड़क पर छोड़ देते हैं उन्हें कसाई खाने भेज दिया जाता है ताकि गायों को काट कर उनके मांस का कारोबार किया जा सके। गाय के शरीर के हर हिस्से को बाजार में बेचा जाता है। कहने के लिए तो हम गायों की रक्षा करते हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा बीफ यानी गाय के मांस का निर्यातन हमारे देश भारत में ही किया जाता है। जी हाँ, वही भारत देश जहाँ गाय को माँ माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। गाय के नाम पर लोग मरने मारने तक के लिए उतावले हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा दिमाग को हिला देने वाली बात तो अभी तक हमने आपको बताई नहीं, शायद आप यकीन ना माने, लेकिन हमारे देश में जितने भी बड़े स्लॉटर हाउस यानी कसाई खाने हैं उन सब के मालिक हिंदू हैं। अब कई लोग ये सोचेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। दोस्तों, देश का सबसे बड़ा बूचड़खाना तेलंगाना के मेडक जिले में मौजूद है। 400 एकड़ में फैला ये बूचड़खाना असल में एक हिंदू का है जिसके मालिक सतीश सबरवाल है। ये बूचड़खाना अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड चलाता है। पूरे भारत में यहाँ से बीफ का कारोबार होता ही है, उसके अलावा मध्य पूर्व के कई देशों में इसी बूचड़खाने से बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर भी है और मध्य पूर्व के कई सारे शहरों में इसके दफ्तर हैं। आपको बता दें, अल कबीर के दफ्तर कुवैत, अबूधाबी, जिद्दा, मदीना, रियाद और दोहा जैसे कई सारे शहरों में मौजूद है। और जब कारोबार इतना बड़ा फैला हुआ तो बिजनेस भी कुछ छोटा थोड़ी ना होगा। तभी तो अल अबीर ने पिछले साल करीब 650 करोड़ का बिजनेस किया। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े स्लॉटर हाउस के बारे में जिसका नाम अरेबियन एक्सपोर्ट और MKR एक्सपोर्ट्स है। अरेबियन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक सुनील कपूर है जिनका मुख्यालय मुंबई के रशियन मैंशंस में है। और इनकी कंपनी बीफ के अलावा भेड़ के मांस का भी कारोबार करती है। और इस कंपनी के सिर्फ मालिक कोई हिंदू नहीं है बल्कि इसको मैनेज करने वाले बहुत से लोग हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं। साथ ही साथ अगर हम MKR एक्सपोर्ट की बात करें तो उसके मालिक मदन एबट है और कंपनी हेड ऑफिस दिल्ली में है। और दोस्तों, ये तो हमने आपको चंद कंपनियों के नाम गिनाए हैं। अगर हम हिंदुओं द्वारा चलाई जाने वाली इस तरह की कंपनियों का कच्चा चिट्ठा खोलने बैठ जाएंगे तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि कैसे लोग दोहरी मानसिकता रखते हैं। देखिए, हम यहाँ पर किसी भी जाति या धर्म को ठेस पहुँचाना नहीं चाहते, लेकिन जिस भारत देश में रहने वाले हिंदू गाय को माँ का दर्जा देते हैं, उसी भारत में रहने वाले हिंदू इतने बड़े लेवल पर गाय के मांस का कारोबार करते हैं और हर एक कंपनी हर साल करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाती है सिर्फ और सिर्फ गाय के मांस को बेचकर। अगर हम किसी दूसरे जानवर की बात करें तो कारोबार और भी ज्यादा लंबा हो जाता है और बिजनेस हजारों करोड़ों तक पहुंच जाता है। और जितने भी आंकड़े हम आपको बता रहे हैं ना, ये सब लीगल है, यानी वो आंकड़े जो कागजों में लिखे हैं, वरना न जाने कितने सारे लीगल और इलीगल बूचड़खाने देश में चलाए जाते हैं जहाँ या तो गाय पालने वाले लोगों से गायों को सस्ते दामों में खरीद लिया जाता है, क्योंकि जो गाय दूध देना बंद कर देती है वो वैसे भी लोगों को किसी काम की नहीं होती, और इसलिए बीफ कारोबार करने वाले लोग उन्हें खरीद लेते हैं ताकि उनके मांस और शरीर के अलग अलग हिस्सों को बेचा जा सके। और कई बार तो कुछ बूचड़खाने इतने ज्यादा गिरी हुई हरकत पर उतर जाते हैं कि सड़कों पर टहल रही गायों को भी अपना निशाना बना लेते हैं, जिनके लिए उन्हें पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हालांकि इस तरह की गायों का जो मांस होता है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, क्योंकि गाय काफी लंबे समय तक बाहर का उल्टा सीधा खाना खाती हैं, जिसकी वजह से इनके शरीर के अंदरूनी हिस्से खराब होने लगते हैं। पर बूचड़खाने चलाने वाले लोगों को इनसे कोई मतलब नहीं है, इन्हें तो सिर्फ मुनाफा दिखता है जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और जो लोग देशभक्ति और गाय बचाओ का नारा लगाते हैं वो खुद पैसे देकर इस तरह के बूचड़खानों का समर्थन करते हैं। जी हाँ, ये सारा खेल पैसों का है दोस्त। तभी तो गायों का मांस खाने से मना करने वाले तो कई लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन जहाँ असल मायनों में गाय को मारा जाता है, काटा जाता है और गाय के मांस को बेचा जाता है, वहां आंदोलन करने वाला कोई बंदा दिखाई नहीं देता। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, इसके पीछे सिर्फ एक ही चीज है, पैसा, पैसा और पैसा। लोगों को जहाँ पैसा मिलता है वहीं लुढ़क जाते हैं। अब आपका लोगों की इस दोहरी सोच के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताना। ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।